अस्सलाम वालेकुम ज़ारा रेसिपी के साथ मैं सारे पे आज आपको सिखाऊंगी चार बनाने का तरीका कि मिक्स सब्ज़ी चार किस तरीके से बनाते हैं। बहुत ही अच्छा चार बनता है ये और बहुत ही लंबे अरसे तक आप सेव कर सकते हैं चार। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बना है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी समझ में भी आएगा कि ये चार कैसे बना है। बहुत ही अच्छा बना है, पूरे परफेक्ट तरीके से दिखाऊंगी कि चार की रेसिपी आप कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये चार तैयार होगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है मिक्स सब्जी चार बनाने के लिए हमने दो अदद गाजरे लिए। तो गाजरे जो है आपने इस तरीके से इस शेप की काट लेनी है। कटिंग करना नहीं दिखाया कि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी जाती। तीन अदद जो मैंने नींबू लिए तो नींबू के भी एक नींबू के आपने चार साइज कर लेने। तो ये थोड़े से लिए शलजम लिए तो शलजम के भी आपने चकोर कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो ये मिर्ची लिए मैंने पांच अदद, तो मिर्ची के भी आपने चार पीसेस बना लेने हरी वाली मिर्ची के। तो ये सारी जो है आपने पहले धो के अच्छे से वॉश करके अच्छे से सका के, याद रखिएगा कि इसके साथ पानी आपने नहीं रहने देना। जब अच्छे से सूख जाए तो फिर इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करना इसलिए नहीं दिखाया कि हमारी वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। और उसके बाद जो है आपने छत के ऊपर जो है ये धूप में अच्छे से जो है कम से कम जो है ये तीन घंटे के लिए आपने इसको अच्छे से सका लेना है धूप के अंदर। अब ये तीन घंटे अच्छे से खुश्क होने के बाद अब हमने उठा लिए, अच्छे से खुश्क हो चुकी है। तो अब जो है थोड़ा सा हम जो है ऑयल भी तैयार कर लेंगे इसके लिए। और एक कप जो है मैंने सरसों का ऑयल लिया है। तो एक कप में जो है ये हमारी वेजिटेबल थे कम थे। अगर आप चार ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर आप जो है ये सरसों का ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। तो हल्की आंच में इसको भी पका लेंगे, कच्चा आपने ऐड नहीं करना। तो वीडियो पूरे देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपके समझ में भी आएगा कि किस तरीके से परफेक्ट चार डालते हैं, जो ख़राब नहीं आता, काई नहीं आती या कीड़े नहीं पड़ते, अच्छे से किस तरीके से डालते हैं। तो हल्की आँच पर भी इसको भी पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद थोड़ी देर पकने के बाद आपने गाजर डाल के चेक कर लेना है कि ऑयल जो है हमारा पका है या नहीं पका इस तरीके से। अभी देखिए हमारी गाजर जो है पक गई है, तो समझ लें ये ऑयल जो है हमारा तैयार है। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच जो है आपने किसी भी गर्म खाने में या प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना, या स्टील का या लकड़ी का चम्मच आपने यूज़ करना है। तो प्लास्टिक का चम्मच सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। अब ये देखिए हमारा जो ऑयल है ये तैयार है। तो आप चूल्हा हम बंद कर लेंगे, जब तक ये ठंडा हो जाए उस वक्त तक के लिए हम मसाले तैयार कर लेते हैं। मसालों में ये सबसे पहले जो है ये साबुत धनिया आपने लेना है। और ये साबुत धनिया के बाद ये पीली वाली राई ये भी आपने लेनी है। और उसके बाद ये सौंफ, और इसके बाद ये ज़ीरा ये भी हम डालेंगे। और ये मेथी दाना, मेथी दाना जो है आपने ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा कम इस्तेमाल करना है, ये कड़वा होता है। और ये सरसों के बीज ये भी आपने लेने हैं। और इसके बाद जो है हम ये हल्दी भी इसमें शामिल करेंगे। और ये मिर्ची है कश्मीरी लाल मिर्ची, और ये नमक, और ये कुलवंजी। तो इसमें कुछ चीज़ें जो है हम ये भूनेंगे, थोड़ी सी कच्ची नहीं ऐड करेंगे, तो कुछ चीज़ें हम भूनेंगे नहीं। जैसे ये कुलवंजी हो गई, हल्दी हो गई, मिर्ची हो गई, नमक हो गया, तो ये हम भूनने में शामिल नहीं करेंगे। तो ये बाकी मसाले जो है हम थोड़े से हम भून लेंगे थोड़ी सी खुशबू के लिए। अब जो मसाले हमने भूनने नहीं है ये हम अलग कर लेंगे इस तरीके से। और बाकी मसाले जो है एक फ्राइज बोल ले लेना, और इसके अंदर आपने ये सारे इस तरीके से ऐड कर देना ऐसे। अब मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिए हैं, तो उस वक्त तक हम भूनेंगे जब तक इसमें खुशबू आ जाए या मसाले चटकने लग जाएं, तो उस वक्त तक के लिए हम भूनेंगे। तो हमें भी सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करेंगे, आने वाली कोई भी वीडियो आप देख सकें। तो इस तरीके से आपने भून लेने हैं, देखें ऐसे। आँच ज़्यादा नहीं रखना, मीडियम आँच पर आपने भूनने, नहीं तो मसाले फिर जल जाएंगे। अब जो है इसमें खुशबू आना भी शुरू हो गई है, तो देखें ये चटकने भी लगे हैं। तो ये मसाले जो है हमारे अब तैयार है। तो अब हम चूल्हा करेंगे बंद, और ज़्यादा पकाने भी नहीं है, हल्का सा इसका जो है कच्चापन हमने ख़त्म करना है। तो अब इसको थोड़ा सा दरदरा सा हम पीस लेंगे।
अब जो है ये जूसर मशीन का जग लेना है और इसके अंदर आपने इस तरीके से डाल लेने हैं सारे मसाले। और ये कलवंजी जो है ये हमने भुनी नहीं थी तो ये भी हम डाल लेंगे। और अब हम इसको ग्रेंड करेंगे, तो याद रखिएगा कि इसका पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सामने इसको पीसना है, ठीक है। अब ये तैयार है तो अब हम इसको उतार लेंगे। अब हम इसको निकालेंगे, प्लेट ले लेंगे और इसमें इस तरीके से डालेंगे। ये देखें ये मोटा मोटा सा दरदरा सा जो है हमने पीसा है, ये बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, ये देखें। अब ये हमारा मसाला तैयार है तो हमने रेडी कर लिया है, ये देखें ये बिल्कुल दरदरा टाइप का इस तरीके से हमने पीसा है। तो वीडियो आप लोग भी पूरी देखा करें, तो फिर जो वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपकी भी समझ में आएगा कि किस तरीके से बढ़िया तरीके से अचार डालते हैं, तो फिर आपका अचार भी सालों चलने वाला होगा, ख़राब नहीं होगा। अब जो है ये ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है, तो ये इसके अंदर जो है आपने एक एक करके ये गाजर मिर्ची और जितनी भी चीज़ें हमने कटिंग कर ली है इस तरीके से आपने डाल लेनी है पहले ऐसे। बहुत ही अच्छा ये चार बनेगा और ये चार ख़राब नहीं होगा लंबे अरसे तक के लिए, आप एक साल के लिए भी इसको आप सेव कर सकते हैं। इस तरीके से डाल के पहले आपने अच्छे से इसके साथ ऑयल लगा लेना है ऐसे, इस तरीके से। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी समझ में भी आएगा कि किस तरीके से हमने ये चार डाला है। और ये पूरा ऑयल लगाने के बाद आपने पहले ये जो हमारे पीसे हुए मसाले हैं ये चार चम्मच मसाले आपने ऐड कर ले। मसाला अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं चार चम्मच बड़ी वाली जो है वो ऐड करूँगी। और डेढ़ चम्मच जो है नमक कम ऐड करेंगे, तो नमक जो है चार में ज़्यादा डलता है तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा। और ये एक चम्मच लाल कश्मीरी मिर्ची का पाउडर ये भी डालिएगा, किससे खूबसूरती जो है बहुत ज़्यादा आई। और एक चम्मच जो हल्दी पाउडर ये भी आप शामिल कीजिएगा। और ये डालने के बाद आपने इस तरीके से आपने पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है ऐसे। बहुत ही अच्छी जो है हमारी ये वीडियो तैयार होगी और चार जो है बहुत ही अच्छे बनेगा, बहुत ही टेस्टी होगा। इस तरीके से आपने पहले अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है इस तरीके से। अब ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाऊंगी कैसा लग रहा है, तो फिर हम एक डब्बे में पैकिंग करेंगे। माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह हमारे चार की लुक कितनी अच्छी है। यही होता है परफेक्ट चार बनाना और सारे मसाले डालना। इस तरीके से पहले आपने डाल लेने ऐसे। बहुत ही अच्छी जो है ये चार की वीडियो बनेगी, बहुत ही अच्छी जो है ये देखे इस तरीके से आपने डाल लेने ऐसे। और अब इसके बाद हम जो है डब्बे में पैक करेंगे, तो पैक करना भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से करेंगे। और उसके बाद आपने कोई भी छोटा सा डब्बा ले लेना है, तो डब्बा याद रखिएगा कि आपने लेने से पहले पहले अच्छे से साफ़ सुथरा करके रोज़ के वॉश करके तो अच्छे से जो है आपने पहले ये सका लेना है। उसके बाद आप जो है डब्बे के अंदर डालेंगे। माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह चार की लुक देखें कि कितना अच्छा जो है हमारा चार लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखें। इस तरीके से आपने राम राम से ही सारा डाल लेना है ऐसे। क्योंकि आप पूरी देखिएगा तो आप भी अच्छे से बना लेंगे, बहुत ही अच्छा जो है ये हमारा चार तैयार होगा। इस तरीके से आपने डाल लेना है ऐसे, बहुत ही अच्छी इसकी लुक लग रही है देखिए। माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह इस तरीके से आपने पूरा डाल लेना है ऐसे। तो आगे रमज़ान आ रहे हैं तो आप रमज़ान के लिए भी बना के जो है ये चार सेव कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा जो है ये बनेगा, तो ये सालों ख़राब होने वाला नहीं होगा, बहुत ही अच्छा ये बनेगा। इस तरीके से आपने डाल लेना है। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये कम अज़ कम जो है आपने जो है ये 20 से 25 दिन के लिए आपने कवर करके रखना है, तो फिर ये तैयार है।